बाबा जो है वो कोर्ट लगभग जेल में ही है। अम्मा से मेरी कॉल आई थी, अम्मा ने कहा कि इन्होंने जो करना था कर लिया, मैक्सिमम जो कर सकता था ये किया कि तुम्हारे माँ बाप पे भी अगर इन्होंने अटैक कर दिया है, अभी किसी से डरने की जरूरत नहीं। जो पहले मैं तुम्हें ये कहते थे कि तुम्हें सही लगता करो, अभी मैं तुम्हें कहती हूँ जो दिल करता है। वाले साहब की तरफ से कोई जेल से कोई पैगाम है? क्या पैगाम तो क्या है, वो सुधर पेशेंट है, उनको उनकी मेडिसिन भी नहीं देने दे रहे। नजरबंद क्या हुआ जी, नजरबंदी में कोई सामान नहीं जा सकता, मतलब इतने तो ये घटिया लोग हैं, मतलब क्या कहें। अच्छा ये आप देख सकते हैं, ये देख रहे हैं, कौन नाम की जब लगा दी, लेकिन दर्शक अभी फुल हो गया और अभी केपी के आ रहा है, क्या कहेंगे आप? वाले तो मेहमान है ना, जलसा तो पंजाबी भरेंगे, तो उन्होंने भरना था जलसा, लाहौरियों ने आना था, उन्होंने बताना था कि हम खान के साथ हैं। केपी के वाले तो चेरियन केक होता है ना, वो चेरियन टॉप, वो वाला उनका हिसाब है, वो तो मेहमान है हमारे। ये जलसा लाहौरियों की जिम्मेदारी थी, पंजाबियों की जिम्मेदारी थी, तो हम आए हैं। अच्छा क्या कहना चाहेंगे आप, सूरत हाल भी देख रहे हैं, यहाँ तो लाखों लोग आ गए। देखिए ये तो बेवकूफों वाली बात है ना, कि एक चीज जो हम एनओसी लेके कर रहे हैं, जो लीगली हम इजाजत लेके कर रहे हैं, उस पे आप कहेंगे हम आपको ये नहीं करने देंगे, वो नहीं करने देंगे, फिर जब जवाब मिलता है तो फिर ये फौरन औरत कार्ड निकाल लेते हैं, क्योंकि देखो हमारी औरत को इन्होंने क्या कह दिया। तो पहले आप ऐसे दावे नहीं करें, हम आपके घर आने की बात नहीं कर रहे हैं, जो आपकी इजाजत लेके आएंगे, सुबह में आने की बात करें, जो किसी की जाति जरूरत नहीं है। बता तरन का जो अटक पूरी क्रॉस करने देना, वो मिल रहा है इस साइड को, कहाँ छूट के बैठे हुए हैं? पता नहीं, अटक तरन साहब ने सेट अपने घर का नाम अटक पुल रखा हुआ है, क्योंकि पुल तो फिर क्रॉस हो गया, तो वो पंजाब में भी वो आएंगे, क्यों नहीं आएंगे, कोई कैसे रोक सकता है। ठीक है, अच्छा ये आप देख सकते हैं कि खवातीन भी पहुंची हैं, बच्चे भी देख रही है, तो क्या कहेंगे? देखिए ये बेसिकली खान की मोहब्बत है, लोग हर उस इंसान से मोहब्बत करते हैं जो खान के सर सर है, और हर उस इंसान से नफरत करते हैं चाहे सालों सर पे बिठा के रखा हो उसको, मगर अगर आप खान के साथ लॉयल नहीं है, अगर आप अपनी कौम के साथ वफादार हो, तो ये कौम भी आपके साथ वफादार। वो कहाँ पे है जो आपको पसंद करती है? घर के पास यही है, पास है, उन्होंने तो अपने घर में तो सर रखी है। पहले वो जिसका कह रही थी पंजाब में आने दूंगी, पंजाब में आने दूंगी, तो मुझे लगा था कि उन्होंने अपने घर का नाम पंजाब में नहीं रखा हुआ, कि इतनी परेशान है कि मैंने अपने घर नहीं आने देना, बल्कि मैं मानने वाली है आपकी, तो कोई आए तो आप कहेंगे कि हमारे नहीं रहेगी, वो भी दूसरा सूबा। तो मुझे नहीं लगता इस तरह की हरकतें करनी चाहिए, जब स्पेशली जब आप वजीर आला हो, तो आपका एक होता होता है, चाहे आपको जाली मिलाओ, फॉर्म 47 में मिलाओ, लेकिन एक जिम्मेदारी होती है ना, उसको आपको ग्रेसफुली हैंडल करना चाहिए। क्या कहना चाहेंगे आप, ये लाहौर का जलसा हो गया, इस्लामाबाद का भी जलसा आपने देखा, ये लाहौर का जलसा है, इसके बाद भी मजीद जलसे होंगे, तो लाहौर का जलसा देखिए क्या फीलिंग है, क्योंकि आप भी लाहौर से हैं और लाहौर में निकलना एक बड़ा मुश्किल काम था, लाहौर जलसा का मुकम्मल फुल हो गया, क्या कहेंगे आप? इतनी आप डोर टू डोर गए और हमने इतनी मार्केट में कंप्लेन भी की और रैली भी की, कि डर होता है इंसान का, और डर जब निकल जाता है फिर आपको कुछ मुश्किल नहीं लगती। अल्लाह ने कहा हिम्मत करे मदद मैं करूँगा, तो जब इंसान अपनी मदद करने के बारे में सोच लेता है तो अल्लाह खुद का खुद मदद करता है। लाहौर में ऐसा कुछ नहीं है कि आप अपने घरों से नहीं निकल सकते, बस हिम्मत करने की देर थी वो लाहौरियों ने की है। इमरान खान के बारे में क्या फीलिंग्स हैं, क्योंकि पहला जलसा है लाहौर में इस तरह, जो इमरान खान के फैन है, सारे पाकिस्तान में बात जलसा हुआ था, इमरान खान पहुंचे थे, तो आज क्या फीलिंग है इमरान खान के बारे में, जेल में बैठा था लेकिन वो जेल में बैठा हुआ हमारी वजह से, उसने अपना सब कुछ छोड़ा है, वो एक आसान से भी चुन सकता था, लेकिन वो जेल में बैठा घटिया से केस बर्दाश्त कर रहा है हमारे लिए। अब हमारा इतना हक तो बनता है ना, क्या उसको हमारे पे इतना मान है कि वो जहाँ पे हम लॉरी निकलेंगे उसके कहने पे, तो हमें निकलना चाहिए था, क्योंकि उसने हमारी इज्जत रखी, वो हमें छोड़ के नहीं भागा, उसने कोई डील नहीं की, उसने ये हुकूमत भी नहीं ली जो उसको कहते थे कि ले लें और आपकी जान छूट जाएगी, मगर वो डट के रहा, उसने हमारा रखी, उसने हमारा मान रखा, तो हमारा फर्ज बनता था कि हम उसकी इज्जत रखें, हम निकल गए। क्या पैगाम देना चाहेंगे आपके वालिद साहब, वालिद को गिरफ्तार किया गया और यकीनन एक बेटी के लिए मुश्किल ये होता है कि बेटी की वजह से वालिद साहब को बता दो कोई फिक्र मार जेल में डाल दिया गया, सिर्फ आपको लाने के लिए, क्या कहेंगे आप? एक तो वो पहले इस तरह दूसरा वाला पकड़ा था और एक गाले में बिठाया था सफेद, तो उस दिन मैं सारे टाइम में पहली दफा रोई थी, तो मेरे अबू ने मुझे अगले दिन कहा जब वो मुझे मिले, उन्होंने मुझे कोर्ट से प्रोड्यूस किया कि आज के बाद चाहे ये मुझे ले जाएगा, तुम्हारे घर में से किसी को भी ले जाएगा, मैं अपनी बेटी को दोबारा कभी रोके नहीं आने, कभी किसी के साथ आगे झुकना नहीं और ना हार मानना, देखी जाएगी अगर हमने लड़ाई लड़ी है तो उसको पूरा लड़ेंगे और भागने से लड़ेंगे। अगर आपको कहा ना खान साहब से मोहब्बत है जो हमें भी मिलती है। ठीक है, बहुत शुक्रिया जी सनम जवेद, बालक को गिरफ्तार किया गया, सनम यहाँ पहुंची हुई है, एक खवातीन की तस्वीर के साथ यहाँ पहुंची हुई है।
बरादर देख सकते हैं, ये जलसगा के बरादर है। सनम की गुफ्तगु भी आपने सुनी, इनके वालद को गिरफ्तार किया गया लेकिन फिर भी जलसगा में पहुंची और पैगाम दिया कि मैं तो पहुंचूंगी, जो करना है करूँ। बाकी आइए चलते हैं मजीदाबाद से बात करते हैं, मुझे भी इजाज़त चला।